दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारे चैनल की न्यू अपडेट्स सबसे पहले मिले। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो गाइस अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने जो है एसर नाइट्रो 7 का जो है फुली अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया है फुल डिटेल के साथ। तो गाइस जब तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, नहीं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक भी दे दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में जो है मैं आपको इस लैपटॉप की जो है बूट टाइमिंग करके दिखाऊंगा एंड बताऊंगा इसको ऑफ होने में कितना टाइम लगता है एंड रीबूट होने में कितना टाइम लगता है। तो गाइस इस वीडियो पर बने रहिएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा एसर नाइट्रो 7 जिसकी जो है हमने फुल अनबॉक्सिंग की थी पिछली वीडियो में और ये है हमारा फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप। तो गाइस इसके अंदर जो है आपको SSD देखने को मिलती है जिसके कारण जो इसकी बूट टाइमिंग है काफी फास्ट हो जाती है क्योंकि इसका विंडोज जो है SSD में इंस्टॉल है, इसलिए गाइस इसकी जो मतलब बूट टाइमिंग है एंड जो इसकी रीबूट टाइमिंग है वो भी काफी फास्ट हो जाती है नॉर्मल विंडोज या नॉर्मल मतलब PC से। तो गाइस अभी जो है हम लोग इसे ऑन करके देखते हैं। अभी तक जो है मैंने इस लैपटॉप को स्विच ऑफ करके रखा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर इसका जो है पावर बटन तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग टाइमर देख ही सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा लैपटॉप जो है ऑन हो चुका है एंड एसर का लोगो आ चुका है एंड इसकी जो बैक लाइट है वो भी ऑन हो चुकी है। ओके तो आप लोग देख सकते हैं 13.74 सेकंड में जो है हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है फुल्ली, आप लोग देख ही सकते हैं एंड इसके अंदर जो है SSD सपोर्ट देखने को मिलता है जिसके कारण जो है हमारा लैपटॉप काफ़ी फास्ट वर्क करता है एंड हमारा विंडोज जो है SSD में इंस्टॉल्ड है। तो गाइस अब जो है मैं आपको इस लैपटॉप को रीस्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कितना टाइम लगता है रीस्टार्ट में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है इसका रीस्टार्ट का ऑप्शन एंड अब जो है मैं रीसेट कर देता हूँ टाइमर एंड अभी इसे ऑन कर देंगे। गाइस अब आप लोग देख सकते हैं हमारा लैपटॉप जो है रीस्टार्ट हो रहा है। ओके तो गाइज अब आप लोग देख सकते हैं हमारा लैपटॉप जो है 28 सेकंड में जो है हमारा लैपटॉप रीबूट हो चुका है, इसे खाली 28 सेकंड लगे रीबूट होने के लिए। ओके तो आप लोग देख ही सकते हैं एंड यहाँ पर जो है इसकी बैकलाइट है। तो गाइज अब जो है हम लोग इस लैपटॉप को टर्न ऑफ करके देखेंगे कि इसको बंद होने में कितना टाइम लगता है क्योंकि गाइज विंडोज जो है बंद हो जाता है लेकिन जिसकी जो बैकलाइट है वो ऑन रहती है जब तक हम लोग मतलब ये लैपटॉप जो है बरोबर बंद नहीं हो जाता। तो गाइज अब जो है हम लोग इस लैपटॉप को बंद करके देखेंगे एंड गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो बैक लाइट है वो भी चालू है अब तक एंड गाइज ये जो है तब तक चालू रहेगी जब तक लैपटॉप जो है फुली बंद नहीं हो जाता। तो इसे जो है मैं यहाँ से इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ यानी कि शट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मैं अभी इसे शट डाउन करने वाला हूँ एंड बैक लाइट जो है अब तक चालू है आप लोग देख सकते हैं एंड ये जो है 30 सेकंड तक ऑन रहती है लेकिन जब हम लोग इसे स्विच ऑफ कर देते हैं तब ये बंद हो जाती है जब हमारा विंडोज बंद हो जाता है। तो ओके यहाँ से हमें आप लोग टाइमर देख ही सकते हैं एंड बैक लाइट जो है अब तक चालू है आप लोग देख ही सकते हैं। ओके तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप है 13 सेकंड्स में मतलब 13.20 सेकंड में जो है हमारा लैपटॉप फुली बंद हो चुका है एंड इसकी जो बैकलाइट है वो भी ऑफ हो चुकी है। गाइज इसकी जो ऑन एंड ऑफ की जो टाइम है एग्जैक्टली सेम है थोड़ी बहुत। तो गाइज अब आप लोग देख ही सकते हैं काफी मतलब इस लैपटॉप में फास्ट प्रोसेस देखने को मिलता है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ सकूँ एंड गाइज बहुत जल्द जो है मैं इस लैपटॉप में गेमिंग टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ GTA 5 एंड PUBG मोबाइल जैसे गेम्स की जो मैं इस लैपटॉप में आपको गेमिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा। एंड गाइज अब तक अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की है फुल, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं। थैंक यू।